मामा बनारसी से बतियाते मत रहो, अधिवेशन नहीं जाना है क्या? जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ, मेरे साथ शॉपिंग भी जाना है। और हाँ, वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां भी खा लेना। अच्छा अच्छा, बहुत सही फैसला किया आपने, इनको तो ले जाके जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्या बक रहे हो, मैं इन्हें क्यों छोड़ूंगा? आप ही तो कहा कि पहली को छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। अरे पंडित जी, हम अपनी नहीं अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहो ना कि उस बहू को निकालना चाहते हो जिसको अभी तुम बड़बड़ाई के डांट रहे थे ना? हाँ। और कभी उसने नहीं छोड़ा तो? उसका भाई तो बहुत गुंडा है, एक नंबर का मवाली है, बहुत बदमाश है वो तो। पंडित जी, तुम साथ दोगे तो जालिम को सबक सिखाऊंगा और उसकी बहन को जंगल में छोड़ाऊंगा। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहां से 4-5 लाख मिल सके और तुम्हें भी तगड़ा कमीशन दे देंगे। ऐसी बात है तो फिर हम आपके बेटे के लिए 5-6 लाख का 10 लाख वाला रिश्ता तलाश करके लाएंगे। 10:30 बज रहे हैं, मुझे अधिवेशन पहुंचना है, तुम चाय वाय पी के तब जाना। मगर महिले साहब, रिसेप्शन में आना नहीं भूलना। अवश्य अवश्य आऊंगा। चुमा बेटा। अरे सुन रे, हे बेटा, लगता है तू हमारी बात सुन लिया। हम ये गलत सलत बात इसलिए कर रहे थे कि हम सच्चाई जानना चाहते थे बेटा, तोरी कसम। पर सच्चाई जान के ऐसे लगा जैसे राक्षस लोग के मन में खोट है, ये पूजा सामग्री को लात मार रहे हैं हरामजादे लोग। हमको तो लगता है कहीं कमल का फूल हाथी के पैर के नीचे दब ना जाए। अरे मगर तू काहे चिंता करती है, तेरा मामा जिंदा है ना? ना बेटी ना, तू चिंता नहीं कर। अरे हम यह साला लोग कना हुआ देखना कैसे जूता से स्वागत करेगा। तू डरना नहीं बेटा, मामा है ना। तो खाली काम करना, वहां शादी में आना जरूर। हाँ, वहां ससी भी मिलेगा, माजी से भी मुलाकात हो जाएगी, आना जरूर। हाँ, बोला नहीं बेटा। चल बेटा, अच्छा हम जाते हैं, ख्याल रखना। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस। थैंक यू। ले भाई, ये अंकल कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ आए बिटुआ। हाँ? ये रहे। चलो, नमस्ते गोवर्धन बाबू। ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? हम पहुँचे नहीं, तुम पहले से जा रहे हो। चलो। कहाँ भाई, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? तुम दूसरी शादी कर रहे हो? आप यहाँ कैसे आ गए? चल के आ गए, और कैसे? वो तो मालूम है, दैट्स ओके, व्हाट आई मीन, करने क्या आए हैं आप? अच्छा, शर्म नहीं आती है? बाप से पूछता है कि यहाँ क्या करने आए हो? पूरे शहर को दावत दे दी आपने, बाप को भूल गया? चलो, तुम तो बेटे का फर्ज निभा ही नहीं सके, हम अपने बाप होने का फर्ज निभाते हैं। तुमको आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, सलामत रहो, जरा खुशी मनाए इसी बात पर, बाप होने के नाते। ओके। तो भाइयों बहनों, हमारे चपड़गंजू मतलब हमारे बेटे की शादी की खुशी में थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो क्या ख्याल? तो एक गजल, एक भजन और एक कवाली, इन तीनों की जरा खिचड़ी बनाकर हम आपको खिलाते हैं ऐसे। तो शुरू। बेटा इधर चल, हम एक मामला पटाई के आते हैं। भाइयों, इस विलायती बंदे को मतलब अकल के अंधे को हम जरा चमत्कार दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये इसकी दूसरी शादी है, पहली जो खरी थी उसको ठुकराई दिया, उसके बदले ये विलायती परी उठा लाया है। पहले को सत्ता समझा, उसके बदले अट्ठा उठा लाया है। अब ये उल्लू का पट्टा है वो हम साबित करते हैं। कैसे करते हैं? तो परी अर्थात बेटी, जरा अपना चमत्कार दिखाना। तू चमत्कार? हाँ, एक कार है जो अभी निकलने वाली है, निकाल। अरे गौरी, शीना, तो वो अंकल किधर है? निवेद्रियास को लोग रोपे कल कौन त्रिश मगले दे स्थापक लोग के दबिची गोलवाचम सागल बोली बम वाचम दे बस किये नुद्रा बॉस की बापू तुम अंकल?
तुम जैसे नालायक कहाँ खोलने के लिए हमको ये नाटक करना पड़ा बेटा। अब बता ये पसंद है या इसको ले जाएं हम? अब नहीं नहीं बापू, मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई। अरे तो आंख खोल के बोल, बंद करके बोलता है। खुल गई बापू। तो मानता है ना कि माँ बनारसी जो रिश्ता जोड़ता है वो जिंदगी भर टूट नहीं सकता है? मान गया मान गया। शर्म आती है? अरे तो झूठ मूठ का तो पैर छू बापू। नहीं नहीं स्पॉइल स्पॉइल, पैर खराब हो जाएगा निविद्रियास को, उससे माफी मांग। गौरी गौरी माफ कर देना, गौरी गौरी मुझे माफ कर दे। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? देखा नहीं उल्टी कर रही थी? ऐसा हो गया होगा। आज तो भगवान पर मेरा विश्वास पक्का हो गया। अगर आज ये मरेगी ना तो मुझे अदालत जाकर वो डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 20-25 हजार की बचत हो जाएगी। बकवास बंद करो। 9 महीने में 900 भाषण देते हो परिवार नियोजन पर, और हैजे की उल्टी और दूसरी उल्टी में फर्क नहीं समझते। क्या मतलब? मतलब ये है एमएलए साहब, ये हैजे की नहीं हमल की उल्टी है। हमल? तुम्हें क्या पहरा दिया? खाक किसी को भड़क पड़ गई कि वो क्या कहते हैं गर्भवती, हाँ गर्भवती है, तो गए वो 5 लाख जिनके करारे नोट तुम गिनने वाली थी। इससे पहले कि ये खबर इस घर के बाहर निकले, ऐसा करो श्रीमती वर्मा, ये पेट गिरवा दो, गिरवा दो ये पेट। ये दवा पी लो बहू। दवा? दवा क्यों माँ जी? तुझे उल्टियाँ हो रही है ना, अगर दवा दारू नहीं की तो रवि कहेगा हमने तेरा ख्याल ही नहीं रखा। ले पी ले, पी ले बेटा, पी ले बेटा, पी ले। समझ गई, मैं ये दवा हरगिज नहीं पीऊंगी, मैं अपने बच्चे की हत्या नहीं होने दूंगी। ए, बच्चा केवल तेरा ही कैसे हो सकता है? वो क्या नाम उसका, 50% तो हमारे बेटे का भी है ना, तू उस 50% को हम चाहे मारे या जिलाए उसे तुझे क्या है? तू अपने 50% संभाल। ससुराल में इज्जत सबकी करना, लेकिन अगर वो तुम पर जुल्म करें तो चंडी बनकर उनका सामना करना। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये दवा हरगिज नहीं पीऊंगी। कैसे नहीं पियोगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।